हेलो एवरीवन, एक नई रेसिपी के साथ। जैसा मैंने वादा किया था आपसे, एकदम सिंपल इजी रेसिपी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आज एक नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अगर मज़ेदार कुरकुरे हम लोगों को पकौड़े मिल जाए, बिल्कुल क्रिस्पी, तो मज़ा आ जाए। तो इसी के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर के दाल के पकौड़े। इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, चलिए आपको मैं फटाफट बता देती हूँ। एक कटोरी है मसूर की दाल, इसको मैंने करीब 4 घंटे तक भिगो के रख लिया था। अब मैंने वॉश कर लिया है, इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे। इसके साथ ग्राइंड करने के टाइम मैंने लिया है 1 टुकड़ा अदरक, आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ का इतना अदरक लिया है। 4-5 कलियाँ ये ले लिए मैंने लहसुन के। थोड़ी सी हम लोग प्याज, आधी प्याज समझ लीजिए आप, आधी प्याज कट कर लीजिए, चॉप कर लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये मैंने लिए हरी धनिया। इसके साथ जब ये हम लोग ग्राइंडिंग कर लेंगे, एक साथ ही हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करने के बाद जब पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल महीन पेस्ट बनना चाहिए, मोटा पेस्ट मत रखिएगा, तो बिल्कुल महीन पेस्ट जब ये बन जाएगा तो उसमें ऐड करेंगे हम लोग सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, ये है चाट मसाला, ये है अमचूर पाउडर, और ये लाल मिर्च पाउडर, ये भी आपके स्वाद के अनुसार, ये सब हम लोग तो एक साथ मिक्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सब चीज़ों को पहले ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ये हमारे मसूर दाल का पेस्ट तैयार है, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट मैंने कर लिया है। लहसुन अदरक धनिया और मसूर की दाल, भीगी हुई मसूर की दाल, ये मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। प्याज को आपको पीसना नहीं है दाल के साथ, प्याज आपको चॉप करके अलग से इसमें ऐड करना है। साथ ही मैंने अमचूर पाउडर, ये चाट मसाला, ये लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब ये पकौड़े के लिए हमारा पेस्ट पूरी तरह तैयार है, अब हम इसकी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, गैस ऑन करते हैं। अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, अगेन मीडियम फ्लेम, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होगा तो हम लोग पकौड़ियाँ डालना शुरू कर देते हैं। 2-3 मिनट रुकेंगे, 2-3 मिनट में तेल गर्म हो जाएगा हमारा। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो सरसों तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब आप चाहे हाथ के से भी आप बना सकते हैं पकौड़े, और नहीं तो मैंने स्पून लिया, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट। एक बार ज़रूर आप लोग घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए मसूर दाल की पकौड़ियाँ, मसूर दाल के पकौड़े आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए शेयर भी करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दस मिनट अभी इसको लगेंगे पकने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मीडियम आंच में हम लोग इसको पका रहे हैं। देखिए हमारे पकौड़े लाल लाल हो गए हैं, एक साइड मैंने पलट दिया है दूसरी साइड पकने के लिए। 2-3 मिनट और बस खाने के लिए, ये बरसात के मौसम में मसूर की दाल के कुरकुरे पकौड़े आपके लिए रेडी। खाइए अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ऑलमोस्ट रेडी, गैस की फ्लेम मैं स्लो कर रही हूँ, बस हमारे पकौड़े रेडी, अब मैं इसे निकाल दूँ।
ये है मसूर की दाल के पकौड़े रेडी बिल्कुल खाने के लिए। खाइए, स्वाद लीजिए घर बैठे बरसात के मौसम में, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।